देखिए हमारे पास भी इस किस्म के वो फैमिली जो एकदम फैमिली सो कॉल्ड अभी तक हमने डिक्लेयर किया है। हमारा ये मानना है कि जो एटीएम गार्ड का हादसा हुआ है इसमें तो सरकार के पास एक तो एटीएम के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा होता है और एटीएम के बाहर भी सीसीटीवी कैमरा होता है, एरियाज में सीसीटीवी कैमरा होता है। अगर पेरेंट्स ने सरकार से गुजारिश की है, अपील की है कि इसमें फॉरो प्रूफ किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। सरकार के पास ऐसा सिस्टम है, वो प्रूफ करनी चाहिए और जो कंफ्लिक्ट है उसको बुक बनाना चाहिए, क्योंकि हॉश वॉश में किसी मामले में अगर कोई इंक्वायरी हो जाए तो उनका ये कहना है कि पेरेंट्स लाइक थे, उनके जो बच्चे हैं वो उन्होंने कसूरवार नहीं, अगर उनका रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से तो करना चाहिए। मुझे लगता है कि टाइम विल टेल अस कौन रियल कल्प्रिट। ये भी बड़ी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि अक्सर विंटर के सीज़न में ये जो हाईवे है बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो लेकिन इससे पहले भी हाईवे बंद रही है, लेकिन जो जिस किस्म के मुश्किल आजकल हमारे जम्मू कश्मीर के लोग फेस कर रहे हैं, जो स्ट्रैंडेड खासकर जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स है, तो बहुत मुश्किल में है, तकलीफ में है। तो बदकिस्मत यह है कि हमारे पास यहाँ पर इंतज़ामिया में एयरलिफ्ट पैसेंजरों की कोई फैसिलिटी नहीं है, और जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स वहाँ पर है उनके लिए वहाँ पर खाने पीने की सुविधा ठीक नहीं है, और जो कुछ वो मैनेज कर रहे हैं बड़े महंगाई में, उनके पास पैसा भी नहीं है, उनके लिए अकोमोडेशन की फैसिलिटी वहाँ पर अच्छी तरह नहीं है। तो काफ़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं हमारे लोग। हमारी गुजारिश है कि ऑनरेबल हर जी साहब अगर इनको एयरलिफ्ट कराएं तो ये पैसेंजर्स जो तकलीफ में है उनकी तकलीफ दूर होगी। आपने हाल ही में देखा होगा बड़े अनफॉर्चुनेट सीन है कि दो पैसेंजर्स तो हाईवे में फंस गए थे, वो गुजर गए, वहाँ पर बीमार हुए, क्या किस किस्म की एमरजेंसी उनकी हुई तो, लेकिन वो गुजर गए, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर। तो लोग जो कंप्लेंट कर रहे हैं, हमारे पास शिकायतें भी आ रही हैं कि बहुत मुश्किल है नेशनल हाईवे के पैसेंजर्स में। हमारा ये मानना है कि तो जो ये राशन का मामला है पहले से ही पीछे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सप्लाई कम नहीं है, यहाँ डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, उससे प्रॉब्लम होगी। दूसरा जो ये आधार का इशू उन्होंने उठाया है, हमारी पूरी रियासत अभी पूरी नेटवर्किंग जोन में है ही नहीं, यहाँ पर तो 4G चलता नहीं है, 2G तो दूर की बात। आप और दूर दराज इलाकों में अगर देखेंगे अभी तो आधार लिंक हर एक राशन कार्ड या हर एक सोल है ही नहीं है। अगर इस किस्म का सॉल्यूशन इनको चाहिए था तो इनको लोगों को डिस्ट्रिक्ट को फुल फ्लेज्ड फैसिलिटेट करना था नेटवर्किंग से।